ऐसी यूनिवर्सिटी जैसे कि कॉलेज के काम जाती है, मुझे भारतीय जनता पार्टी के और भारतीय सभा में रह चुकी हूँ, इसके बावजूद मुझे तो ये आश्चर्य हुआ कि आज मुझे टिकट देना नहीं दिया गया। मैं वैसे इस क्षेत्र से 1.5 साल से मैं काम करते आ रहा हूँ और पार्टी के सभी लोगों को ये पता है कि मैं कंटेस्ट करने वाला हूँ। और एक आम बात यह है, एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब कमरुल इस्लाम थे तब कोई उतना मतलब और कोई ठहरने के लिए सोचा था, और कमरुल इस्लाम रहने पर भी मैंने डिसाइड कर चुका था कि मैं यहाँ कंटेस्ट करूँगा। लेकिन कमरुल इस्लाम गुजर जाने के बाद काफ़ी लोग है ना आके हम भी क्यों नहीं ये आजमाना, उनके जिनको भी टिकट मिला वो मतलब आ रहे थे। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि पार्टी हमेशा ये कहते आ रहा है कि हम एक फैमिली में दो लोगों को हम मौका नहीं दे रहे। ऑलरेडी बीसी पटेल जी जिला अध्यक्ष भी है और MLC भी है, तो उनके बेटे को टिकट नहीं दिया जाएगा, ये पार्टी के वरिष्ठों का ये निर्णय था। लेकिन ये रहते हुए भी अब जब टिकट देते हैं तो बहुत दुख की बात ये है कि वो ये ऐसा बोल के तो उनको फिर टिकट देने के कारण क्या है और मुझे डिनाई करने का वजह क्या है। हर काबिलियत जो एक कैंडिडेट में होना चाहिए, एक्सपीरियंसड आदमी हूँ, 3 बार MLC जीत चुका हूँ, काफ़ी बार पार्टी के अलग अलग पोस्ट मुझे दिया गया है, मैं पार्टी का आभारी हूँ कि मुझे काफ़ी मौका उन्होंने दिया है। लेकिन अब के बार जब मैं ये टिकट के लिए मैं कोशिश कर रहा था तो कभी कोई ये नहीं बोले आप कोशिश नहीं कर रहे, आप छोड़ दो, आपके लिए ये नहीं होगा, कोई नहीं बता। हालांकि हर नमूने से मैं यहाँ कंटेस्ट करने के लिए हर काबिलियत कुछ में है। इतना रहते हुए भी किसी और को जब टिकट देते हैं तो पहले मुझे कहना था, पहले अगर मुझे कहा होता कि आप कोशिश नहीं करना, हमारा इरादा किसी और को देना है, तो मैं कोशिश नहीं करता। जबकि हमेशा ये कहते हुए गए हैं कि नहीं आप कोशिश करो, आप काम करते जाओ, काम करते जाओ। अब यहाँ तक आने के बाद है ना जब मेरा ये मतलब किसी और को देते हैं तो ये सही चीज़ है। मुझे इसलिए बहुत दुख हुआ कि ऐसा कुछ निर्णय पार्टी ने लिया है, फिर भी मैं मतलब पार्टी के खिलाफ जाने का वैसा कोई मेरा विचार नहीं है। सर वही अभी कांग्रेस पार्टी में भी ऐसे ही माहौल बना हुआ है, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं इलियास के बागवान के साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ, उन्होंने भी पार्टी का काम करते आ रहे थे, इसके बाद उनके सपोर्टर्स ने इंडिपेंडेंस इलेक्शन करने के लिए उनको फोर्स किया था, तो आपकी क्या सोच है इसके खिलाफ, क्या आप आगे इंडिपेंडेंट ट्राई करेंगे या इंडिपेंडेंट ठहरने का मेरा कोई विचार नहीं है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, 1.5 साल से जब से भी मैंने इस काम में हाथ डाला है, मैंने कोशिश शुरू की है, पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के ऑफिस बेरर्स और पार्टी के मतलब बहुत से नेताओं और उसके साथ में वेलविशर्स, जो हमारे वेलविशर्स काफ़ी सालों से बना हुआ है, वो लोग मुझे जी जान से ये कहते आ रहे हैं कि अनुमति साहब आप कीजिए, इस बार एक मौका है, शायद ही अगले बार आपको मौका नहीं मिलेगा, इसलिए इस बार हम सभी मिलकर आपको सपोर्ट करेंगे, आपको जिताएंगे, ये सभी जगह ये बोलते आ रहे थे। और मुझे खुशी की बात यह है कि हर काम का माइनॉरिटी पकड़ के हर काम का आदमी ये कह रहा था कि इस बार आपको हम सपोर्ट करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी लोग है ना माइनॉरिटी के सभी लोग ये कह रहे हैं, लेकिन चंद लोग तो मैं समझता हूँ कम से कम 4-5 हज़ार लोग जब मैं कैंडिडेट होता तो मुझे भी वो वोट लाने वाले थे, इसके काफ़ी कुछ मुझे है। मैं रहते हुए भी काफ़ी कुछ काम कर चुका हूँ, उसकी सोसाइटी का प्रेसिडेंट मैं था, तब भी मैं काम कर चुका हूँ, तो उस ये सभी देख के मेरे तरफ एक अच्छा कैंडिडेट है कि सब लोग मुझे सपोर्ट करने तैयार हो। पार्टी के काफ़ी लोग नहीं भाई आप सीनियर है, बहुत से लोग पूछने वाले थे लेकिन वो इसलिए नहीं पूछा कि मेरी सीनियरिटी मुझसे ज़्यादा है, बहुत से लोगों को मैंने कॉर्पोरेशन में टिकट दे के उनको जिताया है, तो सब आप जब पूछते हैं तो हम आपको ये पूछेंगे, ये उनका बर्ताव था। लेकिन आश्चर्य की बात है ये सभी चीज़ जानते हुए पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया, निर्णय उन्होंने क्या वजह से वो ये वो डिसीजन लिया मैं तो नहीं जानता, लेकिन
आज दुख की बात है कि मुझे ये मौका पार्टी ने मुझे डिनाई किया है। खैर, मैं तो चुनाव को जाने का तो मेरा इरादा नहीं है, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ताओं को मुझसे चर्चा करना।